हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट मंडे के इंट्राडे स्टॉक्स, जानेंगे इनके टारगेट लेवल्स और वो भी एक प्रॉपर लॉजिक के साथ। इसके बाद देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को, जिसपे हम अपना इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी अपडेट्स, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो वंस वी अपलोड आवर वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक रैली को देखने के बाद हमें यूएस मार्केट में एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। डाउ जोन्स अभी भी 34,000 के ऊपर है, जबकि नैस्टैक करेंटली 13,500 के लेवल्स के नीचे करेंटली ट्रेड कर रहा है। और अगर देखा जाए तो डाउ और S&P 500 का जो फ्यूचर लेवल है उसमें अभी भी एक अपसाइड देखी जा सकती है, और इवन हम बैंक निफ्टी का जो करंट फ्यूचर है उसमें एटलीस्ट 250 पॉइंट्स का एक अपसाइड यहां पे देख सकते हैं। तो इसके वजह से मंडे को आपको बैंक निफ्टी में एक फ्लैट ओपनिंग दिखाई दे सकती है, और निफ्टी में हम यहां पे एक मार्जिनल गैप डाउन ओपनिंग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से चार स्टॉक्स हैं जिसपे हमें अपना इंट्राडे ट्रेड यहां पे लेना है। लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें कल के Q4 रिजल्ट्स के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इसमें देखने को मिलता है। काफी पीरियड के बाद स्टॉक ने 400 के लेवल्स को यहां पर रिक्लेम किया हुआ है, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के वजह से इसमें यह बुलिश मोमेंटम आपको मंडे को कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी अगर ऑर्डर बुक को देखा जाए तो आपको इसमें एक गैप ओपनिंग इसमें दिखाई दे सकती है, तो करंट डे हाई के ऊपर आप इसमें एक इंट्राडे ट्रेड लेना कंसीडर कर सकते हैं, यानी 405 के लेवल्स पे हमें इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है, और उसके ऊपर आपको 410 और 415 तक के लेवल्स यहाँ पे बाय साइड में एज ए टारगेट आपको कंसीडर करना है। एज ए स्टॉप लॉस आप 405 के एंट्री पे यहाँ पे 400 के ऊपर एक स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, और टारगेट अचीव होते ही आपको टाइमली प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना है। इसके लिए आप यहाँ पे 1-2 मिनट के कैंडल को फॉलो करें, क्योंकि मंडे को ओपनिंग के बाद इसमें एटलीस्ट विद इन 30 मिनट्स आपको 2% तक एक अपसाइड इसमें दिखाई दे सकता है। इसके बाद और बात करें दूसरे स्टॉक के ऊपर जो है हैप्पीएस्ट माइंड, जिसमें पिछले कुछ पीरियड से हमें एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, लेकिन डे ओपनिंग पे हम इसमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस ट्रेंड को अगर कंसिडर किया जाए तो यहाँ पे 760 के ऊपर इसमें थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है, और आप इसमें एक फ्रेश लॉन्ग एंट्री यहाँ पे इंट्राडे में लेना कंसिडर कर सकते हैं। तो इन केस अगर निफ्टी यहाँ पे 15,100 के लेवल्स को सस्टेन करता है और स्टॉक 760 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है, तो आप इसमें एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, और आपको अराउंड 766 और 769 तक के लेवल्स यहाँ पे बाय साइड में दिखाई दे सकता है। एज ए स्टॉप आपको 755 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि लास्ट डे का जो लो है वो हमें 754 के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद और बात करें तो तीसरे स्टॉक में हम देख सकते हैं HDFC बैंक को, जिसने फिर से यहाँ पे 1500 का लेवल यहाँ पे रिक्लेम किया है, क्योंकि पहले एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो इसको रिक्लेम करते ही इसमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड हम नेक्स्ट मंडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन केस अगर ये 15,000 का जो लेवल है उसे सस्टेन करता है, तो आप इसमें एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे इंट्राडे में लेना कंसीडर कर सकते हैं। उस केस में हमारे लिए जो टारगेट लेवल्स रहेंगे वो होंगे 1500 और 1521 तक के लेवल्स, और आप 1490 का एक स्टॉप इसमें यहाँ पे स्कैल्प ट्रेड करते वक्त कंसीडर कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1-2 मिनट के कैंडल्स पे अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है, और टारगेट अचीव होते ही आप अपना स्टॉप यहाँ पे जरूर अपने एंट्री लेवल तक ट्रेड करेंगे। इसके बाद अगर बात करें फोर्थ स्टॉक के बारे में, तो यह है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसने फिर से काफी पीरियड के बाद 80 के लेवल्स के ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। पहले कुछ पीरियड से 80 के लेवल्स पे हमें एक रेजिस्टेंस इसमें देखने को मिलता था, तो क्योंकि इसमें क्लोजिंग इसके ऊपर देखने को मिला है, तो आप 81 के
लेवल्स रिक्लेम होते ही इसमें एक लॉन्ग ट्रेड यहां पे लेना कंसीडर कर सकते हैं। और आपको इसमें 81 के एंट्री पे यहां पे 82 और 82.5 तक के लेवल्स एज ए टारगेट इसमें दिखाई दे सकता है। यहां पे एज ए स्टॉप लॉस आप 80 का एक स्टॉप लॉस इसमें प्लेस कर सकते हैं, और क्योंकि ये स्टॉक भी काफी हद तक वोलेटाइल है तो आपको इसमें स्कैल्प ट्रेडिंग करना सही रहेगा। इसलिए आप एट मैक्स 2-5 मिनट के कैंडल्स को फॉलो करें और आपको टाइमली इसमें प्रॉफिट बुक जरूर करना है। इसके बाद और बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर, तो डेली कैंडल्स पे हमें इसमें एक ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे यहाँ पे देखने को मिलता है, और इवन आप पिछले कुछ पीरियड से हायर लोस का भी फॉर्मेशन इसमें देख पाएंगे, जिसके वजह से अगर निफ्टी 15,100 के लेवल्स को यहाँ पे सस्टेन करता है और इसकी ऊपर अगर कोई भी ओपनिंग आती है तो आप इसमें फ्यूचर साइड में कोई भी लॉन्ग ट्रेड करने से अवॉइड करें। जब तक ये 15,150 के लेवल्स को रिक्लेम ना करें तो हमें कोई भी ट्रेड लेने से अवॉइड करना है। इन केस अगर 15,150 रिक्लेम होता है तो आप यहाँ पे फ्यूचर साइड में एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, और आपको अप टू 15,220 और 15,245 तक के लेवल्स यहाँ पे बाय साइड में दिखाई दे सकता है। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर्स 15,200 रिक्लेम होने पे 15,100 और 15,000 के जो इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें आप बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स पुट साइड में 15,100 के जो पुट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें आप 15,150 रिक्लेम होने पे आप सेल करना प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो यहाँ भी आपको 34,000 का जो लेवल है वो हमें रिक्लेम होता हुआ दिखाई देता है, और क्योंकि ये 34,600 के ऊपर करेंटली क्लोज हो रहा है तो आपको 34,500 के ऊपर यहाँ पे अपना एक सपोर्ट इसमें प्लेस करना है। इन केस अगर आप इसमें कोई भी यहाँ पे फ्यूचर साइड में ट्रेड लेना कंसीडर कर रहे हैं, इन केस अगर इसमें कोई भी गैप ओपनिंग आती है तो आप इसमें एक लॉन्ग ट्रेड फ्यूचर साइड में ले सकते हैं, और आपको इसमें अप टू 34,800 और 34,850 तक के लेवल्स यहाँ पे बाय साइड में दिखा दे सकता है। ऑप्शन ट्रेडर्स इसमें तभी एंटर करें जब इसे आप 34,700 के ऊपर देखें, उस केस में आपको 34,500 और 34,600 के जो पुट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें आपको सेल करना है, और उस केस में ऑप्शन बायर्स 34,800 का जो कॉल कॉन्ट्रैक्ट है उसे आप वीकली बेसिस पे यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफी हद तक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही मार्केट अपडेट्स हमेशा यहाँ पे लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसके लिंक आपको नीचे ही देखने को मिलेगा, जहां पे आपको हर दिन रियल टाइम मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है। मेंबरशिप प्लान के डिटेल्स आपको नीचे ही देखने को मिलेंगे, जहां पे आपके रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए हम आपका एक मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, और वहां आपको मिनिमम रिस्क के साथ यहां पे स्विंग पोजिशनल और मल्टीबैगर ट्रेड्स के डिटेल प्रोवाइड किए जाते हैं। जिस स्टॉक्स में हमें थोड़ी बहुत लिक्विडिटी यहाँ पे देखने को मिलता है सिर्फ उसी स्टॉक में हम यहाँ पे अपना स्विंग ट्रेड लेते हैं, तो आपको कोई भी स्पेकुलेशन के बेसिस पे यहाँ पे अपना ट्रेड आगे नहीं लेना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।